शासनकाल में मेनहट मामला, भाजपा के शासनकाल में टी शर्ट टोपी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में जेपीएससी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में सहकारिता बैंक का घोटाला, मैंने कई ऐसे घोटाले पूरा भाजपा के शासनकाल में ही सामने रहे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि तमाम भ्रष्टाचार और एक्सपेरिमेंट का करने का बुनियाद शुरू करने का भारतीय जनता पार्टी को अपना इस चीज को मानना चाहिए। इसलिए कि 2005 में जब चुनाव हुआ था तो सभी लोगों को, किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी या यूपीए को, मैंने फुल मेजोरिटी नहीं मिला था। और पहली बार इन्होंने ये परंपरा शुरू किया कि यहाँ के विधायकों को जयपुर ले जाया गया। और जयपुर ले जाने में बाद वहाँ किस रिसोर्ट में रखा गया, उसके बाद उन लोगों को बुला करके किस तरह मंत्री पद से नवाजा गया और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों का क्या हाल हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जितने भी ये मामले हैं घोटाला उनके शासनकाल में, उसमें कई अधिकारी भी हैं, कई राजनेता भी हैं। और आज तक जितना भी जांच यहाँ पर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो गैर भाजपाई शासनकाल, जैसे कि आपका यूपीए हम लोग का शासनकाल का जांच, ठीक है, मधु कोड़ा वाला मामला हुआ और भी हुआ, तक उस समय एनओसोका वगैरह लोग भी थे उसमें, तो उनके गैर भाजपाई शासनकाल के समय का मंत्री लोगों पर, उस पर आपका जांच हुआ। लेकिन आज 21 साल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शासनकाल यहाँ रहा है, लेकिन उनके मंत्री जो रहने को रहने, उनका किसी का जांच अब तक नहीं हुआ है। मेरा वर्तमान सरकार से मांग है कि भाजपा शासनकाल के समय जितने भी मंत्री थे और पदाधिकारी भी, उनकी भी संपत्ति सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। जबकि मेरा कोई आधार का, बिना आधार का मेरा जांच सीबीआई के द्वारा कराया गया, आय से संपत्ति, अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मेरा जांच बिना आधार का, और 6,28,000 आपका आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मैं सजायाफ्ता भी हो गया पूरा, मेरी विधायिका भी चली गई करके बिना आधार का। तो बाकी जो अगर इस प्रदेश में यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए आप न्याय, सही न्याय होना है, तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सब दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समय जितने भी जो मंत्री रहे और उनके काल में आपका अधिकारी रहे, उनके शासनकाल का, उनकी संपत्ति, मैं राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको अनुशंसा कीजिए बिना विलंब किए और सीबीआई से जांच कराइए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।